फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डकिन रिडक्शन रिएक्शन की या डकिन ऑक्सीडेशन की। आप इसको डकिन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, या बेसिकली क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए हमने इसको डकिन ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। अब ऑक्सीडेशन होगा किसका? जैसा कि ऑक्सीडेशन नाम बता रहा है तो किसी न किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा एराइल हेलाइड्स या कीटोन का। एराइल कार्बोनिल ग्रुप जो भी हैं, ठीक है, चाहे वो एराइल मतलब हो गया एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन्स का H2O2 की प्रेजेंस में एक जो है ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर एक बेस भी चाहिए, एक बेस चाहिए होगा, H2O2 चाहिए होगा। तो ये क्या करेगा, हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन कर देगा और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा फिनॉल, और फिनॉल के साथ जो है हमको कार्बोक्सिलेट आयन या कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होगा। इसमें जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल जो एराइल एल्डिहाइड या कीटोन है उसके जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन होगा और जो H2O2 है वो रिड्यूस हो जाएगा। बेसिकली ये क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी। मतलब यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप का तो ऑक्सीडेशन होगा लेकिन H2O2 क्या हो जाएगा, खुद रिड्यूस्ड हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो एक और इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो डकिन रिएक्शन है या जो डकिन ऑक्सीडेशन है ये जनरली वहाँ पर होता है उन सब्स्टिट्यूटेड एराइल्स एल्डिहाइड या कीटोन्स में होता है जहाँ पर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे प्लस एम यानी प्लस मिजोमेरिक इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप लगे होते हैं, जैसे कि NH2 या OH। ठीक है, तो आइए अब एक एग्जांपल लेते हैं और इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक हमारे पास है एराइल एल्डिहाइड या कीटोन का एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है। आप चाहें तो अगर ये जो R है यहाँ पर, जैसा मैंने कहा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एम सब्स्टिट्यूटेड एराइल चाहिए होते हैं हमको, तो ये जो रिंग है उसके इस, देखिए ये कौन सा पोजीशन है, पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन पे OH या NH2 या इस तरीके का कोई ग्रुप होना चाहिए। और जो है ये क्या है, हमारा कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, R है अगर कोई मिथाइल वगैरह कुछ लगा हुआ है या एराइल ग्रुप भी लग सकता है, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, कीटोन है। अगर H लगा होगा तो आप क्या कहोगे, एल्डिहाइड है। ठीक है, तो ये एराइल एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कोई चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पर हम क्या डालेंगे, H2O2 डालेंगे क्योंकि वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और प्लस एक बेस के रूप में हम NaOH या KOH वगैरह यहाँ पर ले सकते हैं। अब आप सभी को पता है कि अब हमको याद कैसे करना है कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, तो हम ये अपने याद करने के लिए बता रहे हैं, ये मैकेनिज्म नहीं है। आप याद करिएगा कि इस रिएक्शन में किस तरीके से आप कर सकते हो। तो H2O2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, OH OH, ठीक है, OH OH, दो O आपस में एक बॉन्ड बना रहे हैं और H के साथ एक एक बॉन्ड बना रहे हैं, तो क्या है, OH OH। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको उठाना है इस OH को और हमको क्या करना है, यहाँ से इसको ब्रेक करना है। एक OH हमको दे देना है किसको, हमारे C को, और एक OH दे देना है इस एराइल ग्रुप को। ठीक है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। जब आपने एक OH दिया एराइल ग्रुप को, ये बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ पे OH लगा दिया, तो क्या बन गया, फिनॉल का डेरिवेटिव। और दूसरा जो है OH आपने जैसे ही इस कार्बोक्सिल ग्रुप को दिया, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप को दिया, तो एक क्या मिल गया हमको, कार्बोक्सिलेट आयन या कार्बोक्सिलिक एसिड। आप अभी याद करके लिए इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये क्या बनेगा, फिनॉल और कार्बोक्सिलेट आयन। यही रिएक्शन क्या कहलाती है, हमारी डकिन रिएक्शन। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। बहुत ही आसान सी मैकेनिज्म है, ध्यान से देखिएगा। तो जो हमारा एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है उसके जो कार्बन है, जो कार्बोनिल कार्बन है, उसके ऊपर हमारा जो H2O2 है वो क्या करेगा, अटैक करेगा। H2O2 में से H निकल जाएगा और ये आयन जो बनेगा ये क्या करेगा, अटैक करेगा। और ये कार्बन के ऊपर अटैक क्यों करेगा, आप याद करिएगा कि कार्बन के ऊपर इसलिए अटैक करेगा क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसमें जो कार्बन होता है वो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन जो होता है स्लाइट नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये हमारा ऑक्सीजन जो कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। जब ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड था कार्बन और ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक करेगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये पूरा का पूरा ग्रुप कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर। तो जोड़ दीजिए, कार्बन के ऊपर हमने जोड़ लिया O और OH, ठीक है, और इस कार्बन के ऊपर जो डबल बॉन्ड बॉन्डेड O था वो उसमें से एक बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो जो चीज़ हमने यहाँ पे तीर से दिखाई वही चीज़ हमने यहाँ पे क्या कर लिया, लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ही ये कुछ इस तरीके का चीज़ होगा तो आप देख रहे हो कि जो हमारा ये ऑक्सीजन है इसके ऊपर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, जो हमारा एरीन ग्रुप है टोटल का टोटल जो एराइल ग्रुप है ये क्या करेगा, ये यहाँ से कार्बन को छोड़ करके किसके पास चला जाएगा, हमारे ऑक्सीजन के पास। ठीक है,
और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज, ये कहाँ जाएगा? वापस से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, चार से ज़्यादा हो जाएगी। एक तो यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, और एक और बना लेगा तो 5 हो जाएगा। इसीलिए ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो एराइल ग्रुप है ये कहाँ चला जाएगा? हमारे इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है। और इस ऑक्सीजन के पास जब जाएगा तो आप देख रहे हो इस ऑक्सीजन के पास भी पहले से 2 बॉन्ड थे, और एक ये पूरा का पूरा एराइल ग्रुप अगर आएगा तो ये ओएच बॉन्ड को क्या कर देगा? छोड़ देगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा? ओएच बाहर निकल जाएगा। ये माइनस चार्ज कहाँ चला जाएगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड में। ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये पूरा का पूरा एराइल ग्रुप किसके ऊपर जाएगा? ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और ये ओएच जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो हमने ओएच बाहर निकाल दिया इस ऑक्सीजन के ऊपर पे, इस बेंज पूरे के पूरे बेंजीन रिंग को या एराइल ग्रुप जो भी था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। इस ऑक्सीजन से ही ये कार्बन जुड़ा हुआ था, तो कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और आर लगाया जो जैसे था बिल्कुल वैसे के वैसे हमने क्या किया, इसको लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो ओ एच ग्रुप यहाँ पर अभी अभी बना है, ये यहीं पर उपलब्ध था, तो ये ओ एच ग्रुप अब इस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ये, तो ये अटैक करेगा। किसके ऊपर अटैक करेगा? इस कार्बन के ऊपर। क्यों? फिर से वही बात हो गई, क्योंकि ये स्लाइट पॉजिटिव है, ये क्या है? स्लाइट नेगेटिव। तो ये ओ एच ग्रुप क्या करेगा? इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और इस अटैक की वजह से ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड था एक बार फिर से क्या करेगा? ब्रेक करेगा, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो इसको यहाँ पे अटैक करा दिया, अटैक करा कर यहाँ पे इसको जोड़ दिया। देखिए कार्बन पे हमने ओएच जोड़ दिया, आर यहाँ पे पहले से ही था। इस ऑक्सीजन के ऊपर अब क्या आ गया है? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड जो है यहाँ पर टूट गया, ठीक है। अब जो है जैसे ही ये पूरा का पूरा ग्रुप बनेगा, आप देख रहे हैं ये रिएक्शन सारी की सारी तरफ जो है दोनों तरफ चल रही है, ठीक है। दोनों तरफ चलने की वजह से चाहे ये इसमें कन्वर्ट हो जाए चाहे ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। फिर अब क्या होगा? जैसे ये बना, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट बन रहा है, वापस से इसका जो आप देख रहे हो डबल बॉन्ड, सॉरी जो नेगेटिव चार्ज है, वो वापस से ट्रांसफर होगा कहाँ पे? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। और अगर ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रांसफर होकर के डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये जो कार्बन, और अब इस कार्बन के ऊपर फिर से 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये ऑक्सीजन के साथ जो ये बॉन्ड बना रखा है ये क्या हो जाएगा? ब्रेक करेगा। और ये जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे वो ट्रांसफर होंगे किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हमने इस क्या किया, इस ग्रुप को अलग कर लिया। ये ग्रुप अलग हो गया, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में अलग हो गया ये वाला ग्रुप, और ये बॉन्ड टूटने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। और हमको क्या मिला? एक आयन जो है, फिनोक्साइड आयन जो है वो हमको प्राप्त हुआ। अब ये भी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं आसानी से, ठीक है। कैसे हुआ एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो नेगेटिव चार्ज था ऑक्सीजन के ऊपर वो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड के रूप में। ये बॉन्ड जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ वाला था ये ब्रेक करेगा, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये एच प्लस आयन यहाँ से छोड़ करके, इस ऑक्सीजन को छोड़ करके कहाँ चला जाए? इस ऑक्सीजन के पास। तो हमको क्या मिल जाएगा? हमारा प्रोडक्ट फिनॉल, ठीक है। और क्या मिलेगा? एक कार्बोक्सिलेट आयन, क्योंकि हमने एन ओ एच लिया था, तो एन ए प्लस जो है इस कार्बोक्सिलेट आयन के साथ आकर के यहाँ पर जुड़ सकता है, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको? फिर से देख लीजिए, ये जो दो चीज़ें बनी थी, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना था और एक क्या बना था? हमारा फिनोक्साइड आयन। तो हमारे फिनोक्साइड आयन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड से एक एच जो है वो ट्रांसफर हो जाए ओ ओ के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? फिनॉल बन जाएगा, और जो है कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। तो ये थी टोटल कहानी किसकी? हमारे डकिन रिएक्शन की, जिसमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर जब हम लोग H2O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो हमको फिनॉल का जो है डेरिवेटिव मिलता है। ये थी हमारी डकिन रिएक्शन। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।